वस्तकबिलु अमवाजल बलाए बिदुआए व तदव, जब मुसीबतों और अजियतों के तूफान तुम्हारे तरफ मुंह खोले हुए आए तो उस वक्त अल्लाह से आहोजारी करो, अल्लाह की हुजूर दुआ करो, इल्तजा करो और अल्लाह से मदद मांगो। वो बलाओं के रुख को मोड़ देगा, वो मुसीबतों के रुख को पलट देगा तुम्हारी जानब। लेकिन जब तुम ये मिजाज नहीं रखोगे तो मुसीबतों पर मुसीबतें आती रहेंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द का एहसास होता है तो कोहे तूर पे चले गए, कैसे जलीलुल कदर नबी थे, अल्लाह से डायरेक्ट रबते थे, और जाकर कहा मालिक मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अल्लाह अकबर। घर के निजी मामले भी रब से डिस्कस करते थे और कोई जो है वो ऐसी चीज होती वो भी रब से अर्ज करते थे। कहा मेरे मालिक मेरे पेट में दर्द का एहसास हो रहा है, दवाई की पूरी लेनी है, तो वो भी जाके कोहे तूर से रब से ही लेते थे। तो अल्लाह ताला फरमाया फलान जंगल में चले जाओ, वहां इस शक्ल के पत्तों की एक बूटी है, उसको तोड़ो निचोड़ो, उसका पानी पियो, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाके बूटी को तोड़ा निचोड़ा, पानी पिया, शिफा हो गई। कुछ अरसा बीता, दोबारा उसी तरह का दर्द जागा। अब नुस्खा तो जहन में था, कोहे तूर पे ना गए, उस जंगल में चले गए और जाके बूटी को तोड़ा, उसके पत्ते निचोड़े, पानी निकाला, पिया, लेकिन दर्द और ज्यादा बढ़ जाता। फिर दोबारा आए कोहे तूर पे, कहा मालिक मैंने उसी दर्द पे दोबारा वही बूटी का पानी पिया है लेकिन दर्द बढ़ गया है। कहा मूसा अब जो आए हो कोहे तूर पे, पहले ही आ जाते। तो अर्ज की मालिक बूटी भी वही और दर्द भी वही। फरमाया सब कुछ वही है लेकिन पहले मेरा हुक्म था, अब मेरा हुक्म साथ शामिल नहीं था। शिफा बूटे में नहीं रखी, शिफा तो मेरे हुक्म में रखी हुई, इसलिए डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, लेकिन शिफा अल्लाह से मांगो कि शिफा हमें देने वाला वो है। वो एक वसीला है, एक जाहिरी तरीका है। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर क्या खूबसूरत इरशाद फरमा रहे, हस्सनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, अपने अमवाल को ज़कात से पाक करो, व दावु मर्दाकुम बिस्सदका, और अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, उसके माल तीन हैं, एक माल वो जो उसने खाया और जाया कर दिया, दूसरा उसका माल वो है जो उसने पहना और पुराना कर दिया, और तीसरा उसका माल वो है जो उसने आगे भेज दिया। फरमाया बाकी उसके वारसों का है, उसका नहीं है। इसलिए हम राह खुदा में खर्च करने का मिजाज बनाएं, इससे माल घटता नहीं है, इससे माल बढ़ता है। बल्कि जब राह खुदा के अंदर हम खर्च करते हैं तो हमारा जो दूसरा माल है वो भी पाक हो जाता है। अल्लाह के महबूब का एक फरमान सुनिए जिसको हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हस्सनु अमवालकुम बिज़्ज़कात व दावु मर्दाकुम बिस्सदका वस्तक़बिलु अमवाजल बलाए बिद्दुआए व तदर्रुए। फरमाया कि अपने माल को अपने अमवाल को ज़कात से पाक करो और अपने मरीजों का इलाज सदके से करो, और जब मुसीबतें और बलाएं तुम्हारा रुख करें तो फिर दुआ से और अल्लाह के हुजूर जारी से अल्लाह की मदद चाहो। आज हम सदके का मिजाज बहुत कम कर चुके हैं। इसी जमाने में ऐसा होता था कि जब कोई बीमार होता था तो सबसे पहला काम लोग ये करते थे कि सदका दिया करते, डॉक्टर के पास फिर जाया करते थे, हकीम के पास फिर जाया करते थे, सबसे पहले उसकी जान का सदका दिया करते थे। सदका कजा को बदल देता है, तकदीर को बदल देता है। सदका से अपने मरीजों का इलाज करो। असल डॉक्टर के पास जाना, इलाज करवाना सुन्नत है, इसकी मुमानत नहीं है, लेकिन यह बात हमेशा जहन में रखिएगा कि डॉक्टर के पास दवा है, शफा नहीं है, शफा अल्लाह के दस्ते करम में। इसलिए जब भी बीमार हो जाओ तो पहले सदका करो और फिर डॉक्टर के पास जाओ, अल्लाह उस सदके की बरकत से डॉक्टर की दवा में शफा रखते हो, क्योंकि शिफा तो उसके हुक्म में है ना, चीजों में तो शिफा नहीं है, वो तो उसने हुक्म जहां दे दिया वहां शिफा है।